ठीक है मैडम, चलता हूँ। अरे भैया कहाँ? अरे मैडम, बाकी जगहों पे तो गैस देनी है ना। एक तो सिलेंडर घर नहीं छोड़ा, पूरे पैसे भी ले जा रहे हो, पैसे वापस कौन करेगा? अरे मैडम, कितने पैसे दिए आपने? 1100 रुपए दिए थे पूरे। अरे तो हो तो गए, सिलेंडर पूरे 1093 रुपए का है। अरे मैडम, क्या 5 रुपए के लिए बहस कर रहे हो आप? 5 रुपए, 7 रुपए बचते हैं। अरे तुम सिलेंडर लेते लेते यहाँ रोड पे क्या करने आई हो? अरे भैया देखो ना यार, 5 रुपए के लिए बहस की जा रही है मैडम। 5 रुपए? 5 रुपए नहीं, 7 रुपए रखे इन्होंने पूरे। अरे मैडम, टेम्पो से उठा के यहाँ तक लाया हूँ, 7 रुपए तो बनते हैं मेरे। अरे तो तनख्वाह ना मिलती? अरे सब तनख्वाह मिलती है, इनको ऊपर की कमाई की आदत हो गई है। अरे मैडम, क्या लगता है आपको, आपके 7 रुपए से क्या मैं अमेरिका में प्लॉट कटवा लूंगा? एक काम करो मैडम, ये लो भैया पैसे और जाओ खुले करवा के लाओ। जाओ जाओ, इसे खुले करवा के दो। अरे मैं कोई पनवाड़ी थोड़ी हूँ जो इन्हें खुले करते डोलूंगा। जाओ तुम खुले करके घर से लाओ। अरे भाई साहब जल्दी कर लो यार, मुझे देर हो रही है। अरे तू कोई पार्लियामेंट में जो तुझे लेट हो रहा है? एक तो सिलेंडर ब्लैक करते ऊपर से। एक मिनट, ये ब्लैक किसे बोल रहे हो तुम? तुम्हें। देखो भाई साहब, मैडम का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी बता देता कि मैं हूँ कौन। अरे शायद तुझे पता ना दिखे मैं कौन हूँ। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 रुपए कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, और ऑफिस में ना सबके सब थर थर कांपते हैं मेरे से। ओह नो। अरे क्या फायदा है 55,000 रुपए का, जब बीवी 7 रुपए के लिए रोड पे लड़ रही है। अब क्या 7 रुपए तेरे बीड़ी तंबाकू के लिए छोड़ दूं? मुझे ना इसमें पूरा का पूरा शक हो रहा है, जरा तोलना इसे कितना है ये। अबे मैं कबाड़ी हूँ जो मैं यहाँ तोलना लेके घूमूंगा? ये है क्या बकवास कर रहे हो मैडम, गैस क्यों कम होगा? अच्छा अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इसमें गैस कम है। एक तो सिलेंडर में गैस कम देता है, ऊपर से फालतू रुपये भी चाहिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे मुझे यार, तुम एक काम करो दोबारा से गैस बुक कर लेना, मैं चला। अरे अरे रुको भैया, तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं, वैसी रसोई में गैस खत्म है, रोको ना यार इसे। रख सिलेंडर। क्यों, इसमें तो गैस कम है ना, क्यों रखूं? हाँ तो अगली बार ज्यादा दे देना। ओ भैया धनिया है क्या जो अगली बार ज्यादा दे देना, जितना आएगा उसमें तो भरूंगा। अरे भैया रुको, इसमें आधी गैस कम है ना, आधे पैसे वापस करो। ऐसा है, गोदाम में आके गैस बदलवा देना, मैं जा रहा हूँ। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी गोदाम में नहीं जाता। वैसे भी गलती तुम्हारी है तो ये गोदाम क्यों जाएंगे? मैडम आपने एक काम करो, आपने नया गैस का कनेक्शन ले लो। क्यों, पैसा तेरा बाप भरेगा? 55,000 रुपए कमाते तो हो। अरे तो क्या 55,000 तुम्हारे इस गैस पे लुटा दे क्या? 7 रुपए देने में तो तुम्हारी सांसें ऊपर नीचे हो गई, और 55,000 रुपए कहाँ से गैस में दोगे तुम? देखो तुम्हारी वजह से कल का हुआ गैस वाला मेरे को इतनी बातें सुना रहा है, पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि किचन में गैस की पाइपलाइन की कनेक्शन लगवा लो, लेकिन तुम मेरी सुनो तब ना। तुम्हारी डिमांड कभी खत्म होगी? पहले बोला पानी कनेक्शन ले लो, फिर बोला बिजली कनेक्शन ले लो, फिर बोला वाईफाई कनेक्शन ले लो, इतने सारे तो कनेक्शन हो गए, कौन कौन से कनेक्शन लूं? पता कल को ये बोलेगी बुलेट ट्रेन लगवा दो, बुलेट ट्रेन कहां से लाऊंगा फिर मैं? बुलेट ट्रेन वो तुम्हारी औकात है। अबे ज्यादा मत बोल, नहीं तो 32 ही निकाल दूंगा मार मार के, रॉकेट बना दूंगा तेरा रॉकेट। अब ये रॉकेट अनार मुर्गा शाद सब छोड़ो, इससे ये पूछो जो इसमें जो आधी गैस कम है उसकी भरपाई कौन करेगा? ओ मैडम तुम्हारा दिमाग कम है क्या थोड़ा सा? अच्छा खासा आदमी ऑफिस जा रहा था, लेकिन तुमने पहले से पैसे में लगा दिया, फिर गैस कम है, अब पता नहीं क्या क्या, अब छुट्टा लेके आओ। कैसी बीवी है भाई आपकी? अबे ओ इसमें गलत क्या है? नहीं भाई साहब गलत तो कुछ नहीं है, बस अब थोड़े से हल्के होते ना तो अभी तोड़ तार के सिलेंडर घर में पहुंचा देता, और मैडम कुछ बोल भी नहीं पाती। मैडम के सामने ना बड़ों बड़ों की पतलून ढीली हो जाती है, तू क्या चीज है? एक तो सुबह सुबह गैस कम दे रहा है, ऊपर से मेरे ही सामने मेरे पति को भड़का रहा है। क्या मैडम 7 रुपए के चक्कर में बंदूक लेके सर पे खड़े हो गए? तो गुलाब की माला पहना है तुझे ब्लैक, ये एक तो सिलेंडर में गैस कम देता है, ऊपर से बकवास कर रहा है। 1 मिनट ही लगेगा मुझे पुलिस बुलाने में, और फिर जिंदगी भर करते रहना जेल में सिलेंडर ब्लैक। अरे तो बुला लो पुलिस को, डरता हूँ क्या? जब उनको पता चलेगा ना कि गैस वाला कौन है तो कदम नहीं लेंगे थाने से बाहर, समझे तुम? और हाँ छाती ठोक के कहता हूँ करता हूँ चोरी, और पुलिस वालों को भी ना महीने के पहले तारीख को 20% देता हूँ, डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। देखा ये सिलेंडर वाले से लेकर पुलिस इंचार्ज तक सब 2 नंबर का पैसा छाप रहे, और एक तुम हो कुछ नहीं करते। तो मैं भी सिलेंडर ब्लैक करूँ इस पतलू की तरह? ये पतलू किसे बोल रहा है? अरे हम तीनों में, तुम ही पतले हो तो तुम ही बोलेंगे ना। ऐसा है, अपने सरकारी नौकरी का धौस मत जमाओ, मैं अपने पे आ गया ना तो पूरे खानदान को, पूरे के पूरे खानदान को दाने दाने का मोहताज कर दूंगा। अरे जा जा तेरे जैसे बहुत देखे, 1 मिनट लगेगी चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे, मसल दूंगा मसल। एक बात बताएं तुम्हें, अगर यही चींटी तुम जैसे हाथियों के सूंड में घुस गई ना तो जीना आराम कर देगी।